जम्मू में एनएसयूआई के वर्कर्स ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुजाहिरा किया। दरअसल ये सभी वर्कर्स यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी नतीजों से खुश नहीं हैं। नतीजों में 90% बच्चों को फेल कर दिया गया है। वर्कर्स का कहना है कि वो महीनों से क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अहदेदारों से जारी किए गए नतीज को मॉडिफाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। नतीज ज्यों के त्यों हैं, उल्टे हम पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। 90% बच्चा फेल है, जिसके कारण अभी हम रिजल्ट नया निकालने, उसी रिजल्ट को हम मॉडिफाई करके निकालने की हमारी 1.5 महीने हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट हर बार ये पुलिस प्रशासन का साथ लेते हुए बच्चों को या अरेस्ट करवा लेते हैं या प्रोटेस्ट रद्द करवा दिया जाता है इनकी वजह से। हर बार ही पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस भी ना जाने क्यों इनका समर्थन करती है। पिछले 3 सालों से एक ही सब्जेक्ट के लिए आधे आधे नंबर की वजह से बच्चों को फेल किया जा रहा है। क्यों? अभी लास्ट एग्जाम से 40% सिलेबस के मार्क्स डबल करने थे, हमारे पास आंसर शीट्स हैं, पेपर चेक ही नहीं किया गया। अभी मेरे पास बैग में आंसर शीट है, दिखा सकता हूँ, पेपर चेक ही नहीं किया गया चेक। 10 नंबर दिए गए बच्चों, किस बेस पे दिए गए आप हमें बताइए। हम अभी आपको आंसर शीट दिखा सकते हैं बच्चों को।